हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू सब ठीक होगे। मैं फिर से लेके आ गया हूँ एमजी कार्टून स्टोरी भूति रोशनी में डर। आशा करता हूँ ये स्टोरी आप सबको पसंद आएगी। यह उस दिन की कहानी है जब एक गर्मियों की रात एक छोटे गांव में घटित हुई। उस गांव में एक पुराने हवेली का होना सबके लिए एक रहस्यमय बात थी। वह हवेली अपने चमकदार इतिहास और भूतों की कहानियों के लिए प्रसिद्ध थी। एक रात तारों की चमक गाँव को आधी रात के समय उड़कर छोड़ दी। इस तरह के रात में सब लोग अपने घरों में बंद थे और शांति की राहत खोज रहे थे। सबसे बड़ा डर उस गांव के युवक के दिल में था। उसके नाम था विक्रम, एक निर्मम और साहसी युवा। लोग बताते थे कि हवेली में रहने वाले पुराने मालिक की आत्मा रात को बाहर निकलती है और गांव में भटकती है। ये सुनकर विक्रम अपने दोस्तों के साथ हवेली की तलाश में निकला। जब वे हवेली में पहुंचे, वे उस रात की स्थिति के बारे में सभी प्रमाण देख पा रहे थे। तमाम रूमों की दीवारों पर लगे आईने उन्हें डरावनी प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही वे हवेली के एक कमरे में प्रवेश करने जा रहे थे, उन्होंने एक भयानक चीख सुनी। वे सभी भयभीत हो गए और विक्रम ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा। जब वे कमरे के अंदर घुसे, वे एक महिला को देखा जो खुद को बंद कर लिया था। उसने उन्हें अगर वहां से जाना है तो उसे उसके बालों को जुड़वा करना होगा बताया। विक्रम और उसके दोस्तों ने उसे देखकर हैरानी में रह गए। उन्होंने वहां से निकलने के लिए बालों को जुड़वा कर दिया और उसे साथ ले जाने के लिए कहा। जब वे सभी हवेली से बाहर निकले, वे उन भयानक चीखों को फिर से सुने। जब वे पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि महिला की जगह एक भयानक आत्मा खड़ी थी। उसने उन्हें देखते ही एक और चीख लगाए और उसके आसपास आग सी जलनी शुरू हुई। वे सभी दौड़ने लगे और अपनी जान बचाने की कोशिश में थे। एक बार जब वे गांव पहुंचे, वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। ये स्टोरी आप सबको आई तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।